तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है अबाउट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 26 है, लेक्चर नंबर 6, सेक्टर बायोलॉजी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रासलैंड, ग्रासलैंड किसे कहते हैं, ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, और इसमें रेनफॉल कितनी होती है, इसमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से इसमें एनिमल होते हैं, सॉइल कंडीशन किस तरह की है, और ह्यूमन का इसके ऊपर साइड इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन ने किस तरह से इसको डिस्टर्ब कर रखा है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रास लैंड, ग्रास लैंड वो एरिया जहाँ पे ग्रास हो और वहाँ पे रेनफॉल 250 से 750 मिलीमीटर हो, एनुअल रेनफॉल, उसे हम कहते हैं वो ग्रास लैंड एरिया। ये जो रेनफॉल है ये इन बिटवीन है किसके, डेजर्ट्स के और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रेनफॉल ज्यादा होती है, डेजर्ट्स में रेनफॉल कम होती है, और ये इन बिटवीन एरिया है, यहाँ पे ज्यादा भी होती है और कम भी होती है, कभी कभार इन बिटवीन भी होती है। अब पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में गिलगित में कश्मीर वजीरिस्तान के इलाकों में लोअर चित्राल नॉर्थ कल्लाट पाकिस्तान के इलाके यहाँ पे ग्रासलैंड की बहुत आता है, नेचुरल ग्रासलैंड यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा पूरी दुनिया में तो यूरेशियन जो कंटिनेंट है, यूरेशियन कंटिनेंट मीन यूरोप और एशिया, यूरेशियन मीन यूरोप एंड एशिया, ये जो कंटिनेंट है, ये छोटे छोटे जजीरे हैं वहां पे इनकी मिकदार ज्यादा है, नेचुरल ग्रासलैंड वहां पे पाए जाते हैं। अब ग्रासलैंड दो तरह के होते हैं, एक ऐसा ग्रासलैंड यहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, दरख्त वुडी प्लांट बड़ा दरख्त नहीं है, और एक ऐसा ग्रासलैंड यहाँ पे दरख्त होते हैं। अब वो ग्रासलैंड जिनमें दरख्त नहीं होते, ग्रासलैंड विदाउट वुडी ट्रीज, उन्हें हम कहते हैं प्रेरीज या पैम्पस, और वो ग्रासलैंड जहाँ पे ट्रीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं सवाना। अब ग्रासलैंड जहाँ जो प्रेरीज हैं ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और वो ग्रासलैंड जहाँ पे जो सवाना वाले हैं जहाँ पे वुडी ट्री होते हैं वो ज्यादातर ट्रॉपिक इलाकों में पाए जाते हैं, गर्म इलाकों में, ट्रॉपिक नहीं गर्म, गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रेरीज हैं ये कहाँ पे मौजूद है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में मौजूद होते हैं, अर्जेंटीना में कितने इलाके वहाँ पर बहुत ज्यादा मिलान में प्रेरीज ग्रास लैंड जिनमें दरख्त नहीं थे वो पाए जाते हैं। अब इस रेनफॉल की बात करें कि हमें इस तरह के इलाकों में बारिश कितनी होती है, तो बारिश इन बिटवीन द डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है, यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है एनुअल रेनफॉल वो 250 से 750 मिलीमीटर होती है, और इसमें 10-30 इंचेस तक, ये रेंज है, इंचेस में अगर हम बात करें तो 10-30 इंच, और मिलीमीटर में बात करें 250 से 750 मिलीमीटर। अब ये मिड वे है, इन बिटवीन रास्ता है, ना ज्यादा है ना कम है, इससे ज्यादा नहीं फॉरेस्ट से कम है, डेजर्ट से ज्यादा हो रही है, हम कहते हैं इन बिटवीन है। और यहाँ पे कार्निव ग्रास बहुत ज्यादा है, ग्रास के होने से हमेशा जमीन के ऊपर पौधे के पत्ते वगैरह जमीन कवर रहती है, हम कहते हैं हर बेज कवर, ये ग्रास कवर वो मौजूद रहता है, और अगर इनमें यहाँ पे दरख्त हैं तो ज्यादातर नहरों के किनारे हैं, क्योंकि वहाँ ग्रास लैंड से जो नहरें गुजरती हैं, दरिया गुजरते हैं, छोटे छोटे राजबा वगैरह या छोटे छोटे कैनाल गुजरती है, तो उनके किनारों पे दरख्त लाजमी होते हैं। यहाँ पे कंपटीशन डेवलप होता है रेनफॉल की वजह से, ग्रास भी है, प्लांट्स भी हैं, बड़े बड़े दरख्त भी हैं, तो कंपटीशन डेवलप होता है, क्योंकि दोनों को, ग्रासेस को, ग्रासेस को और ट्रीज को, दोनों को सेम चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए दोनों को, दोनों को वाटर चाहिए, दोनों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये दोनों की दोनों चीजें कंपटीशन डेवलप करती हैं, दोनों प्लांट्स की ग्रासेस और ट्रीज के दरमियान। जब पानी की कमी हो जाती है या आग लग जाती है जंगलात में, जंगलात में आग लगने से पानी की कमी की वजह से रिजल्ट ये होता है कि छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो ग्रासेस होती है वो खत्म होती है, ट्री सर्वाइव कर जाते हैं, तो ये कंपटीशन है दोनों के दरमियान, ग्रासेस और ट्रीज के दरमियान। अब वहां पे किस तरह के प्लांट है जिनमें कंपटीशन होता है, किस तरह की ग्रासेस है जिनमें कंपटीशन है, अगर हम प्लांट वाइज देखें तो ज्यादातर वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है ग्रामीनॉइड्स। ग्रामीनॉइड्स का मतलब क्या होता है, ग्रासेस एंड ग्रास लाइक प्लांट, ग्रास लाइक प्लांट और ग्रासेस दोनों मौजूद होते हैं, और इसमें कुछ फॉरेस्ट मतलब जड़ी बूटियां जिनमें कंपोजिट जो कि एसेसी फैमिली से लेग्यूमिनल फैमिली
इस तरह की फैमिलीज के जितने प्लांट होंगे बहुत ज्यादा मिलदार पड़े। अगर हम ग्रास को देखें, ग्रास लैंड को देखें, हमें तीन तरह के पौधे वहां पे नजर आते हैं, वो जिनका कद ज्यादा होता है, जिन्हें हम टॉल ग्रास या फर्स्ट ईयर कहते हैं। दूसरी वो जिनका कद दरमियाना होता है, जिन्हें हम सेकंड ईयर कहते हैं या मिड हाई ग्रास। तीसरी वो जिनका कद बिल्कुल छोटा होता है, इन्हें हम थर्ड ईयर कहते हैं। अब तीनों अलग अलग तरह के प्लांट्स पर मिलते हैं। फर्स्ट लेयर जो है उसमें जो लंबी लंबी ग्रासेस है, जैसे कि एंड्रोमोगम और पैनिकम स्पीशीज, ये फर्स्ट लेयर प्लांट है, इनका कद ज्यादा होता है। दूसरी स्टिपिया, स्पोरोबोलस और इजोप्सिस, ये तीन तरह के प्लांट्स हैं जो वहां पे होते हैं, और इनका कद दरमियाना होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। शॉर्ट ग्रासेस में फॉरक जाते हैं, वारफेयर स्पीशीज है, मॉसिस है, लाइकन है, ये इस तरह की एग्जांपल एग्जांपल में आता है इसमें कोवा और ब्रोमस, ये चंद एक ग्रासेस हैं जो वहां पे इकट्ठे रहते हैं और एक हजूम सा डालते हैं जिससे जमीन जो है वो कवर हो जाती है। इसकी प्रोडक्टिविटी प्लांट जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब प्रोडक्ट ग्रास लैंड मुख्तलिफ इलाकों में होता है, मुख्तलिफ इलाकों में ग्रास लैंड होने से तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेट रीजन में ग्रास लैंड है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी 700 से 1500 ग्राम पर मीटर होता है, एक मीटर में 700 ग्राम वजन हो सकता है प्लांट का या 1500 ग्राम। अब सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया वहां पे 4000 ग्राम से ज्यादा पर मीटर में मुश्किल ग्रास होते हैं, और जो एनुअल ग्रासेस होती है मतलब जो साल बाद आती है ग्रासेस उन्हें हम एनुअल ग्रासेस नाम देते हैं, उनमें से 5 से 10% मैमल खा जाते हैं, बाकी में से 5 से 10% या इससे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स, रूटर्स और बर्ड्स वगैरह खाया जाता है, उसके बाद बाकी बचती है। तो मीन ये हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें इस तरह के इलाकों में एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, तो एनिमल लाइफ मुख्तलिफ है। इसमें सबसे ज्यादा ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड एरिया में सबसे ज्यादा हमें बहुत होंगी, लेकिन हर्बीवोर्स को खाने वाले भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिकदार में हर्बीवोर्स। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दो तरह के होते हैं, यानी इनवर्टिब्रेट में यहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे, ग्रास ऊपर होंगे, इंसेक्ट्स ग्रास खाते हैं, ग्रास ऊपर ग्रास खाता है, इनको खाने के लिए बड़े एनिमल जैसे कि लिजर्ड्स है, टर्टल है, टोड है, इस तरह के एनिमल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिकम्पोजर्स भी होते हैं, एक्टिनोमाइसाइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ब्रैकेट, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं। बैक्टीरिया भी मौजूद है, फंजाई भी मौजूद है, एक्टिनोमाइसाइट्स में बैक्टीरिया और फंजाई मुख्तलिफ तरह के, इनवर्टिब्रेट्स में मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, लेकिन बचते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में रेप्टाइल्स से लिजर्ड्स है, एम्फीबियंस से टोड और टर्टल, मैमल्स से ज़ेब्रा, हॉर्स, बिसन, फॉक्स और डॉग वगैरह, ये इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जानवर यहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ की जमीन कैसी है, जमीन के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ की जमीन एसिडिक होती है, और एसिडिक होने की वजह से वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कम, लो प्रेसिपिटेशन है, एवेपोरेशन ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा एवेपोरेशन होगी तो सॉइल में मॉइस्चर कम होगा, अगर सॉइल में मॉइस्चर कम होगा तो सॉइल के ऊपर प्लांट के कवर की वजह से वहाँ पे अपर लेयर होगी वो तो मॉइस्ट होगी, लेकिन जो लोअर लेयर होगी वो ड्राई होगी, इसलिए हम कहते हैं उसमें मॉइस्चर कम है। और इस तरह की सॉइल होती है ना वो इम्परमीएबल होती है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, वाटर ऊपर आता है तो ऊपर ही रहता है और नीचे सीपेज नहीं कर पाता, रूट्स ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इस तरह से हम कहते हैं क्योंकि ऊपर वाली सिर्फ लेयर में पानी मौजूद है। तो इसमें सैलिनिटी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वहाँ प्लांट्स भी कम ग्रो करते हैं या थोड़े बहुत थोड़ी वेराइटी ग्रो करती है, ज़्यादा वेराइटी ग्रो नहीं करती। इस तरह के साल फिर अंडर कल्टीवेशन भी नहीं आती, जहाँ पे सैलिनिटी की मिकदार ज़्यादा हो और जहाँ पे सॉइल पार्टिकल साइज थोड़ा, क्योंकि वो फिर वाटर को बहुत ज़्यादा यूज रखती है, अपने अंदर स्टोर रखती है, इससे फिर सेम की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट, इस तरह के साल के ऊपर ह्यूमन का क्या काम है, किस तरह से ह्यूमन ने इस तरह के साल को अफेक्ट किया या किया या नहीं किया, तो ह्यूमन बहुत नेचुरल ग्रास लैंड है, वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नेचुरल ग्रास लैंड जितने भी कुदरती तौर पर उनका हम यूज़ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन में हम फसलें काट करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जानवरों को चराते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, जानवरों को खुराक देती है, लेकिन ग्रेजिंग जानवर का भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, अगर नॉर्मल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं,
लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग हुई तो क्या होगा, वहां से जितना भी फॉरेज हर्बेज कवर है वो जमीन से उतर जाएगा, जमीन के ऊपर प्लांट्स वगैरह नहीं रहेंगे। जमीन के ऊपर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो धूप डायरेक्ट पड़ेगी और जो वाटर की सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, वाटर न्यूट्रिएंट कंटेंट खत्म हो जाएगा, लिमिटेड सप्लाई की वजह से वो खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सॉइल एरोजन स्टार्ट हो जाएगी। सॉइल एरोजन के स्टार्ट होने से इसके बाद यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सॉइल ड्राई हो जाती है तो डेवलपमेंट में प्लांट ग्रो नहीं करते। इस तरह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो डेजर्ट फॉर्मेशन में। फर्दर जो टॉपिक इसके बाद आएगा वो इसमें ग्रास लैंड इकोसिस्टम के बाद आएगी, तो डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम में हम लोग बात करेंगे अबाउट डेजर्ट, डेजर्ट्स होते क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसमें कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो तब तक के लिए मिला अल्लाह हाफिज़।